कल हमको एसी लगाने में रात हो गया था, वो तो कल देखबे किए थे। तो यो तीन को जो इन आउटडोर यूनिट है वो इंस्टॉल सिर्फ लगाए थे, टांग दिए थे, कनेक्शन होकर नहीं हुआ था। सात को इंडोर और तीन को आउटडोर लगाए थे, एक आउटडोर इतना और लगेगा लोयट का, बाकी तीन को उधर एलजी लगेगा और बाकी चार को जो एसी और है वो ऊपर लगेगा। यहाँ का साइड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, भाड़ा खुदे से बनाओ, खुदे से उठाओ, खुदे से घसकाओ, सब कुछ खुदे से करे ले पड़ रहा, दो आदमी में कितना काम होगा। तो बाकी जो काम बचा हुआ था कल का वो आज से आरंभ करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। हाँ, वीडियो बना रहे क्या? अरे भाई, कल ही तरफ जो है वो आउटडोर लगावे ला बच गया था, तो यहाँ पर जो है लोयड का आउटडोर लगेगा, तो ओकरे लिए स्टैंड ठोकेंगे अभी यहाँ पे। यहाँ पे नीचे में जो है एक लोयड का लगना था, तो लोयड का भी लग गया, तो नीचे में चार आउटडोर जो है लग चुका है, तीन आउटडोर और बाकी है लगाने के लिए, तो बस नीचे नीचे का ही लगा करके छोड़ देंगे। कोई किसी का सुन नहीं रहा है, कोई ना हेल्प कर रहा है, तो बस हम अपना एलजी वाला करके छोड़ देना हमको। ये लोयड वाले एसी का पाइप है जिनका फ्लेयर जो खराब हो गया, तो फ्लेयर भैया जो बना रहे हैं, ये है लोयड वाला आउटडोर जो है ये रहा, ये सबसे अलग हो गया, बाकी वो तीन अपना एलजी जो है उधर एक तरफ है। तो पाइपिंग जो है शुरू कर दिए हैं एसी का करना, तो पहले हम लोयड से ही शुरू करेंगे क्योंकि इधर भाड़ा बांधे हुए थे या भाड़ा रखे हुए थे इधर, तो एक तरफ से करते हुए जाएंगे। तो ये लोयड वाले एसी का पाइपिंग हो गया। पाइपिंग में क्या करना है, एक पाइप जोड़ना है और तार जोड़ना है बस, लेकिन यहाँ पे चढ़ना कैसे वो मुश्किल है। लास्ट में जो लोयड वाला आउटडोर्स लगाए थे, इंस्टॉल किए थे, उनका सिर्फ पाइपिंग हुआ है अभी, बाकी इधर का तीन बाकी ही, उधर तीन आउटडोर लगाने के लिए भी बाकी। ऊपर छत पे आ गए हैं, नीचे जो छत का नीचे जो सीढ़ी बांधा हुआ है उसका रस्सी ऊपर से बांधा हुआ है ताकि इधर उधर ना हो पाए, वो रस्सी को जो है इधर से उधर करने के लिए आए। बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे ये साइट। तो छत पर से जो नीचे आ गए हैं सीढ़ी को घसका के, रस्सी से हमको खींचना था, तो अब दूसरा आउटडोर का जो पाइपिंग कर रहे हैं, एलजी का जो पहला आउटडोर यूनिट है, तो दूसरे आउटडोर का भी पाइपिंग हो गया, फिर से आ गए ऊपर, फिर से ये सीढ़ी को इधर घसकाने के लिए, और फिर से रस्सी पकड़ के सीढ़ी को इधर खींचेंगे। इधर का व्यू जो है काफ़ी हरा भरा है, शंभू पैलेस सामने बोर्ड लगा हुआ है, और बाकी इधर धान जो है। तो अभी जो है दो यूनिट का पाइपिंग हो चुका है और दो यूनिट इधर जो है बाकी है पाइपिंग होने के लिए। अभी ऊपर छत पर से ही आए हैं इस सीढ़ी को घसका करके, अब इस दोनों यूनिट का जो है पाइपिंग होना है, उनके बाद वो तीन यूनिट उधर लगेगा। अब उधर जो है तीनों यूनिट का पाइपिंग हो चुका है, अब हो गया बच गया ये चौथा यूनिट जिसका हम अभी पाइपिंग कर रहे हैं और वायरिंग करना है। तो अब जो इस तरफ के चारों यूनिट का जो पाइपिंग हो चुका है, देखिए कितना मस्त लग रहा है। प्लास्टर जब इसमें होने लगेगा तो फिर से ये इसको उतारना होगा, जैसा इसका ऑनर बोले हैं कि प्लास्टर होगा तो इसको फिर से यूनिट को उतारना होगा। अब इधर तीन को आउटडोर जो है लगेगा, उधर का काम फाइनल करके इधर आ गए हैं। लंच का टाइम हो गया था, हम चले गए खाना खाने के लिए, तब तक मैं अकेले बबलू भैया को टांग दिए, अब दूसरे में लगे हुए हैं। तो इनमें जो अब लगा रहे हैं, तो आउटडोर सेट करते ही पाइपिंग भी करते जा रहे हैं, तो पहले वाले में नहीं कर पाए क्योंकि सीढ़ी जो है नहीं पकड़ता, कोई ना कोई नहीं पकड़ पाता, अकेले थे ना भैया इस वजह से। तो अब इनका पाइपिंग, ये आउटडोर तो लग गया, इनका पाइपिंग करते चले जाएंगे, फिर दूसरे लगाएंगे। तो इनका पाइपिंग भी हो गया, हम नीचे आ गए हैं, भैया अब नीचे आ जाएंगे। तो अब जो है लास्ट आउटडोर यूनिट रह गया है लगाने के लिए, भाड़ा को घसका के वहाँ लगा लेंगे। आज जो हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बॉस भी आ गए हैं साइड पे, तो ये आउटडोर का भी हम लगभग लगभग स्टैंड जो लगा लिए,
अब आउटडोर जो चढ़ा रहे हैं। आउटडोर जो लगभग रखा ही गया, अब पाइपिंग रह गया। पाइपिंग के लिए भैया ही सब पाइपिंग किए हैं। हाय, देखिए मेरा दोस्त है, यही सिखा रहा है हमें। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। इस एसी का मॉडल सीरियल नहीं दिखाए थे हम वीडियो में, तो यहाँ ये सारा कुछ मेंशन है इनका, जो भी इनका कैपेसिटी है और जो भी मॉडल है सीरियल है, सब एक ही मॉडल का है। और ये 5 स्टार है, लेटेस्ट 2022 का मॉडल है। कूलिंग कैपेसिटी 100% इनका 5000 वाट है। तो अब इधर का यूनिट भी पूरा कंप्लीट हो गया, तीनों का तीनों इधर भी लग गया। तो अभी ये तीनों यूनिट जो इधर का भी फाइनल हो गया। इधर तीन ही लगना था, क्योंकि तीन ही यूनिट इधर लगा था, उधर 4 यूनिट लगा था, तो उसमें एक लोयर का था। तो इधर तीनों LG का आउटडोर जो है फिट हो चुका है और शाम भी हो गया है, तो अब हमारा काम भी कंप्लीट हो गया है। बाकी अब इंडोर में जो है प्लग लगेगा, पावर प्लग और ऑन होना है, तो वो अब इलेक्ट्रिशियन करे, हम ही लोग कर देंगे, टाइम बचेगा तो अभी जैसा देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को बस यहीं तक समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट कंप्लेंट पर। जय हिंद।